नमस्कार। यदि सृष्टि का समय का आरंभ शिवरात्रि से हुआ है तो सृष्टि के विकास का आरंभ गुड़ी पड़वा से हुआ। इसलिए सम्राट युधिष्ठिर और महाराज विक्रमादित्य ने अपने राज्याभिषेक के लिए भी इसी तिथि का चयन किया था। अब इसके नाम नव संवत्सर को देखें। यह शब्द संस्कृत की दो धातुओं से बनता है, एक है सम और दूसरी है वत्। पहली धातु सम, इसमें स सृष्टि का प्रतीक है, इसीलिए सृजन, सृष्टि, संसार, संहार जैसे शब्द इसी धातु से बनते हैं। और म सृष्टि के रहस्य का प्रतीक है, इसीलिए परम ब्रह्म, इन दोनों शब्दों को पूर्णता म से मिलती है, तो माँ का आरंभ भी म से होता है। अब इन दोनों धातुओं को मिलाकर शब्द बनता है संवत। इसमें नव शब्द उपसर्ग के रूप में जब लगता है तब बन जाता है नव संवत्सर, नया साल। अगर हम भारतवर्ष की कालगणना की बात करें तो इसका इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। 5000 वर्ष से तो यह गणना एकदम सटीक और पूर्णता वैज्ञानिक स्वरूप में प्रमाणिक हो गई है। युगाब्द और विक्रम संवत की कालगणना इतनी सटीक है कि आधुनिक विज्ञान भी हतप्रभ है। अर्थात 5000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई युगाब्द गणना आधुनिक विज्ञान के निष्कर्ष से भी सटीक है। यहाँ पे सिर्फ महीने या दिन की गणना ही नहीं, घंटे मिनट की गति गणना से भी पहले के दिन से होती है। किसी में कोई संशोधन न हुआ और न कोई परिवर्तन, यहाँ तक कि नक्षत्रों की संख्या उनके नाम में भी यथावत है। भारत की कालगणना में दिन, तिथि, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 बिंदुओं का ज्ञान मिलता है, इसीलिए इसका नाम है पंचांग। भारतीय मानस के लिए गर्व का विषय है कि यूरोप वासियों का जब भारत आना हुआ तब उन्होंने अपने कैलेंडर में भारतीय प्रावधानों के अनुरूप संशोधन किए। उदाहरण के लिए लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी घूमती है, उसे पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, इसे अहोरात्र कहते हैं। इसके एक भाग को जो एक घंटे का होता है इसे पंचांग की भाषा में होरा कहते हैं। होरा को यदि रोमन में लिखेंगे तो HOURA स्पेलिंग बनेगी, और इसमें से अगर A को हटा कर रखेंगे तो HOUR, जहाँ पे यूरोप वासियों ने उसको अवर, जिसको हम घंटा बोलते हैं यूरोप वासियों, या तो अंग्रेजी भाषा में उसको HOUR अवर बोलते हैं। भारत आकर ये जब सीखा और देखा तब उन्होंने अपने 10 मास के कैलेंडर को भी बदल के 12 माह का किया। जबकि भारतवासी 5000 वर्ष पूर्व भी पृथ्वी और सूर्य की गति की गणना करना जानते थे, इसलिए युगाब्द गणना में भी आज तक एक भी सेकंड का अंतर नहीं आता। भारतीय नव संवत्सर दिवस एक वर्ष की पूर्णता और नए वर्ष का प्रारंभ दिवस है। यह प्राणी के प्रकृति से एकाकरिता का दिवस भी है। यह ऋतु, ग्रह, नक्षत्र, योग और कर्ण के परिवर्तनों से स्वयं के तादम्य बिठाने और उनके अनुरूप स्वयं को उन्नत बनाने का दिन भी होता है। भारतीय कालगणना में अनेक आकलन है, कल्प, युग, वर्ष, महा, सप्ताह, दिवस आदि के साथ ऋतु आकलन भी है। एक ऋतु सामान्यतः 2 माह की होती है। वर्ष को कुल 6 ऋतुओं में विभाजित किया है। आज भारत ने अपने विकास के आयाम की दिशा में एक करवट ली है। बीच में बीते लगभग 1000 वर्ष के कालखंड को अगर हम छोड़ दें, तो संसार ने सदैव भारत से सीखा है। शोध और अनुसंधानकर्ताओं ने सदैव भारत की धारणाओं को स्वीकारा है और आश्चर्य व्यक्त किया है। ऐसा आज से लगभग 150 साल पहले मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक हम भारत से क्या सीखे में स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान भारत से बेबीलोन में, बेबीलोन से ईरान और ईरान से यूरोप में आया। इसी सदी के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी भारत यात्रा के समय दिल्ली में आयोजित उद्घोधन में समय के आकलन पर भारत के प्राचीन ज्ञान पर आश्चर्य व्यक्त किया था। उनकी पुस्तक समय का इतिहास में जो कालगणना है वह प्राचीन भारतीय ज्ञान से
पूरा मेल खाता है। निसंदेह यह विवरण जहां भारतीय जनमानस को गौरव की अनुभूति देती है, वहीं इस बात के लिए सावधान भी करती है कि हम बाह्य प्रचार से भ्रमित न हो, स्वयं को सक्षम बनाए। आज पुनः पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है। दुनिया ने भारत से योग ही नहीं अपनाया, अपितु ताजा कोरोना काल में भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है। इस पर भी वो शोध कर रहे हैं। अतएव यह प्रत्येक भारतीय का संकल्प होना चाहिए कि हम अपने गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप अपना जीवन वृत्त बनाए। यह मार्ग स्वयं को सक्षम बनाने का है और यही समय विश्व में भारत की साख बनाने का है। जय हिंद, जय भारत, जय गिरनारी, श्री गुरुदेव दत्त।